अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ इरम नवाब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे विद मी। ईद कुर्बान तो चली गई और अब बारिशों ने पूरे मुल्क को अपनी लपेटे में ले रखा है। ऐसे में एहतियाती तदाबीर बहुत ही ज़रूरी है। बिला ज़रूरत अपने घर से ना निकलें, छोटे बच्चों को लेकर घर से ना निकलें। कोशिश करें कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप बाहर जाएँ, अदरवाइज़ आप अपने घर में रहें, क्योंकि घर में रहकर ही आप सेफ़ और महफूज रह सकते हैं उन तमाम चीज़ों से जो बारिशों की वजह से इस वक्त पूरे मुल्क को घेरे हुए हैं। साइन बोर्ड का गिरना, करंट लगना, ये सारी चीज़ें। तो कोशिश करें कि अपने घर में रहें और अपने घर में ही बारिशों को लुत्फ़अंदोज़ हो। आज हम बात करेंगे मैंगोज़ यानी आम पर। जी हाँ, आम एक ऐसा फल है जो शायद ही किसी को ना पसंद हो, और अगर किसी को ना भी पसंद हो तो वो भी कई तरीक़ों के ऑप्शन उनके पास यूज़ करने के। मिल्क शेक के तौर पर, कस्टर्ड में, जेली के साथ, स्मूदी बनाकर या आम की आइसक्रीम बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ आम के इस्तेमाल का, थोड़ा सा डिफरेंट है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊँगी कि DIY वाइटनिंग नाइट क्रीम आम से आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही चीज़ें हैं जो आपके घर में ही मैसर होंगी। आपको एक आम लेना है और ये एक आम आपका पूरा महीना चल सकता है आराम से। इससे आप अंदाजा लगाएं कि आपका कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं जाएगा इसके लिए। आपने ये करना यही है कि आपने आम का पूरा ऊपर का हिस्सा लिया और उसको अपने अपने स्पून के जरिए आपने उसको निकाल कर पेस्ट बना लिया। उसको एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे इस तरह से, जैसे मैंने ये निकाला। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमारा ये पेस्ट है। और अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। नंबर 1 पे हम डालेंगे एलोवेरा जूस। ये हमने इसमें ऐड कर दिया सारा का सारा एलोवेरा जूस। अब हम इसमें डालेंगे ऑलमंड ऑयल। आप देख सकते हैं ऑलमंड ऑयल इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल मैं आप इसमें इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 5 ड्रॉप्स, ठीक है। 5 ड्रॉप से ज़्यादा मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी, ठीक। अब उसके बाद मैं डालूँगी इसमें सेफ्रॉन। सेफ्रॉन आप देख सकते हैं कि मेरे पास है। इसके हमने सिर्फ और सिर्फ पिंच और लेनी है इसकी स्टिक, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है टर्मेरिक। ये आप देख सकते हैं कैमरे में टर्मेरिक है। टर्मेरिक भी मैंने सिर्फ पिंच ली है, जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। ये भी हो गया हमारा। अब हम इसमें डालेंगे सैंडलवुड पाउडर। ये सैंडलवुड पाउडर है जो कि बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। ये तकरीबन 1 टीस्पून है जो मैं सारा के सारा इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब ये हमारे पास पूरी हमारी जो क्रीम है इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी और इसको इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। ये आप देख सकते हैं इसकी शक्ल तकरीबन, ये इस तरह से हमारी ये क्रीम है जी। ये देखिए हमारी स्मूथ सी ये क्रीम तैयार है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है, और ये देखिए ये कितनी अच्छी सी मैंगो नाइट क्रीम हमारी तैयार है। इसको इस तरह के खाली किसी कंटेनर में आप डाल दें, तो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी मैंगो नाइट क्रीम तैयार है। इसको लगाना बहुत ही आसान है। आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करना है क्लेंजर से, और उसको साफ करके बिल्कुल ड्राई करके आपने अपने चेहरे पे लगा लेनी है। ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, बिल्कुल भी इसमें ग्रेसी नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि जिन लोग की स्किन ड्राई है वो इसमें ग्लाइसरीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने अपने पूरे चेहरे पर इसको लगा लिया और इसको आपने ड्राई करने के लिए रख देना है। ये आप ये देख सकते हैं कि मैं अपने हाथों में लगा रही हूँ। देखिए आप सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से ही आपका चेहरा बिल्कुल ब्राइट और चमकदार हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर आप कोई नाइट क्रीम यूज़ करती हैं तो आप इसको ऑल्टरनेट डे भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन 7 दिन स्टार्टिंग में आप इसको लगातार लगाएं। आप देखिएगा कि आपके चेहरे पर कितना खूबसूरत ग्लो और कितना आपका कलर साफ हो गया है। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। इसी तरह की अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलिएगा। इसको शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और ये मैजिक उन तक भी पहुँचाइए। मैं मिलूँगी आपको फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।